भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान से सकुशल वापस लौटने पर कस्बा वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कस्बे में जगह जगह आतिशबाजी चलाकर मिष्ठान वितरित करके लोगों ने खुशियां मनाई। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की ओर से जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को भारत को सौंपा गया तो जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह तिरंगा झंडा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने आतिशबाजी चलाकर बैंडबाजों के साथ मिष्ठान भी वितरित किया और अपनी खुशी जाहिर की। इसी कड़ी में कस्बा भोगांव की जैन मार्केट में जैन समाज के साथ युवाओं, दुकानदारों और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी चलाते हुए नारेबाजी की। इसी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वर्तमान जो कि भारतीय सैन्य है, इनका जो कि पाकिस्तान ने जो इनको का नाम अपने अर्श कर दिया था, इनके भारत वापसी की खुशी में हमारे पूरे सभी लोगों ने का नाम सभी भाइयों ने मिलकर के इसका नाम इसका आतिशबाजी जला करके जश्न मनाया है और इसके बाद मिष्ठान वितरण का यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। हम सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर सभी लोग आए हुए आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे वीर जवान अभिनंदन जी ने जो साहस का परिचय दिया है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल तारीफ है और हमारी सारी भगवान पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के सभी लोग इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने इतने वीर साहस के साथ पाकिस्तान में जाकर के और वहां से भारत में वापसी की है। इसके लिए हमारी सरकार आज ये आतिशबाजी चलाई गई है, किस बात को लेकर चलाई गई? आज हमारे लोगों की बहुत गर्व का विषय है कि हमारा वीर जवान अभिनंदन जो कि एक उनका पाकिस्तान के वहां मारने के बाद पैराशूट से नीचे उतरा और पाकिस्तान कब्जे में चला गया। भारत हमारे नरेंद्र मोदी हमारे भारत सरकार की पूर्ण नीति के बाद हमारा जवान आज अभिनंदन भारत लौट रहा है। हम पूरे भारतवासी सब मिलकर अभिनंदन का वंदन करते हैं और आज इसी की खुशी में हम लोगों ने गोवा में पटाखे चलाए हैं और मिष्ठान वितरण किया है। हमारा अभिनंदन वापस आ रहा है, हम लोगों का सीना से चौड़ा हो रहा है। हम लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जवान हमारा अभिनंदन सुरक्षित हमारे घर वापस आ रहा है। पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें लगी इंडिया पर, सब देखना चाहते हैं किस तरह अभिनंदन भारत आ रहा है। बाघा बॉर्डर पे आ चुके हैं, कुछ ही देर में अमृतसर जाएंगे, उसमें दिल्ली आएंगे और दिल्ली में एक भव्य जश्न का आयोजन किया गया है। हम सब लोग बहुत खुश हैं इस बात से और हम लोगों ने आज आतिशबाजी का आयोजन किया है, कुछ ही देर बाद मिष्ठान वितरण करेंगे। जो आतिशबाजी चलाई गई है किस बात को लेकर चलाई गई? ये हमारे लिए एक देश के लिए और सारे जितने भी हमारे यहाँ के किसी भी समाज के लोगों इतना उत्साह है, इतनी उत्तेजना है कि सब लोग जो है ये चाहते थे कि हमारा जो है जो का नाम विंग कमांडर गया था वो वापस आया। इसमें हमारी सेना जल थल सेना वायु तीनों सेना के ये त्रिकोणीय ये संघर्ष रहा कि उन्होंने इस तरीके से उनको काबू कर लिया कि उनको जो पाकिस्तान को मजबूर होके इसको जो है वापस करना पड़ा। ये हमारे एक देश की एक लोकतंत्र और हमारे समाज की एक ये संवेदना है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, सब हम देशवासी हैं, सब देशवासी हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।